देखो, 8 जुलाई को चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद अध्यक्ष नहीं, सदस्य नहीं है, हालात गंभीर है। 48,000 जो शिक्षक भर्ती है उसका परिणाम जारी होना है। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है, सारी भर्तियाँ प्रभावित हो रही है कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, नई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी नहीं हो पा रही, तो 1,00,000 भर्तियों का वर्गीकरण नहीं हो पा रहा कि 1,00,000 वर्गीकरण हो, विज्ञप्तियाँ जारी हो, कैलेंडर जारी हो, CHO भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर फैसला हो, तो ये भर्तियाँ प्रभावित नहीं हो। आचार संहिता में भर्तियाँ नहीं फंसे तो सरकार तत्काल अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करे, और जो अध्यक्ष बनाए वो बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। 1 महीना मिल चुका सरकार को चयन करने में, तो तत्काल अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करे जिससे युवाओं की भर्तियाँ प्रभावित नहीं हो। तो फायरमैन, वन रक्षक, कई भर्तियों का परिणाम अटका पड़ा है, नई भर्ती की विज्ञप्ति अटकी पड़ी है, तो तमाम मांगों को पूरा कराने के लिए लगातार संघर्ष जारी है। 1 दिन का उपवास किया था और अब त्याग लगातार जारी है। पच्चीस अगस्त को एक बार फिर यदि अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी नहीं करते हैं Level 1 और Level 2 का, तो बड़ी संख्या में हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। उम्मीद है कि आज के जिस जो तबीयत मेरी भी खराब है, बोर्ड की भी तबीयत खराब है, हालांकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब नहीं है, बोर्ड की बहुत ज़्यादा खराब है, और बोर्ड की तबीयत की वजह से सारी भर्ती अटके पड़ी है, परिणाम नहीं हो पा रहा जारी, और सब कुछ अटक गया एक तरह से। और कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्य सब कहते हैं कि नया अध्यक्ष ही कुछ करेगा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करें जिससे बोर्ड की तबीयत सही हो सके, युवाओं को न्याय मिल सके। मैंने हमेशा शांतिपूर्वक किया, शांतिपूर्वक होगा, क्योंकि उगर वाला तो चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी, तो हर काम में शांतिपूर्वक करने। आपने देखा उपवास और अनशन, एक गांधीवादी नीति से कर रहा हूँ लगातार सरकार को जगाने के लिए, लाखों युवाओं को भविष्य बचा।